साथियों, क्या आप जानते हैं वेटिंग लिस्ट टिकट में पैसेंजर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है या सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? देखिए, जब हम ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट बुक करते हैं तो कभी हमें कंफर्म टिकट मिलता है, कभी आरएसी, तो कभी वेटिंग लिस्ट टिकट। लेकिन जो पैसेंजर्स एक वेटिंग लिस्ट टिकट बुक करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों देखिए, वेटिंग लिस्ट टिकट बुक करने वालों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, देखिए अगर वेटिंग लिस्ट टिकट कन्फर्म हो गया तब तो ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी पैसेंजर ने एक ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट टिकट बुक किया और अगर वो वेटिंग लिस्ट कन्फर्म हो गया तब तो ठीक है, अदरवाइज़ वो हो जाता है ऑटोमेटिक कैंसिल। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि आपको रिफ़ंड एक तो तुरंत नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है, और दूसरी चीज़ रिफ़ंड मिलता भी है तो उसमें कुछ पैसे कट के मिलते हैं, कुछ चार्ज लगता है, लगभग 60 रुपये करीब में लगता है। तो एक तो पैसेंजर ने टिकट बुक किया वेटिंग लिस्ट टिकट, उसको सीट भी नहीं मिली, वो यात्रा भी नहीं कर पाया और उसके पैसे भी कुछ कटे। तो ये वेटिंग लिस्ट टिकट की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसेंजर एक तो टिकट भी बुक करे वेटिंग लिस्ट टिकट और उसको सीट भी नहीं मिली, वो बेचारा यात्रा भी नहीं कर पाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको पैसे भी देने पड़ रहे हैं रिफ़ंड पाने के लिए। तो जो लोग वेटिंग लिस्ट टिकट बुक करते हैं ट्रेन में यात्रा करने के लिए, अगर वो कन्फर्म नहीं होता, जब वो कैंसिल हो जाता है, तो उन्हें अपना ही रिफ़ंड पाने के लिए उस पर भी चार्ज देना होता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर टिकट कन्फर्म हो गया तो ठीक है, अगर वेटिंग लिस्ट टिकट है और कन्फर्म नहीं हुआ, ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, तब तो एटलीस्ट फुल रिफ़ंड मिलना ही चाहिए। तो वेटिंग लिस्ट टिकट की मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।